वहाँ कोई किसी की नहीं बोल रहा था, उसी टीचर की ही बात, टीचर की बात सब बोल रहे थे। और जब मैंने देखा साहब अंदर अकेले हैं, बटन भी टूटे हैं, चश्मा भी टूटा हुआ था, उन्हें निकालने की कोशिश की। नमस्कार इंडिया रिपब्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी को दबंग टीचर ने स्कूल में बंधक बना लिया। जी आपको बता दें, दबंग टीचर के भय के चलते नहीं दी बीएसए ने कोई भी तहरीर। एक घंटे तक लगभग बीएसए को बंधक बनाकर वहां पर रखा गया, जिससे घबरा कर ड्राइवर ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचित भी किया। दबंगई टीचर की इस कदर संभ्रांत ग्रामीणों के कहने के बावजूद भी बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्कूल से नहीं छोड़ा। बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ गाली गलौज के बाद मारपीट भी की गई, कपड़े चश्मा गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया। अधिकारी को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। घिरौर थाना क्षेत्र के नाहिली के कंपोजिट विद्यालय का यह मामला है। इंडिया रिपब्लिक के लिए मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। क्या बाहर थे, इतना बाहर भी नहीं हो गए कि आपके अधिकारी को बंधक बना लिया गया था, मारपीट की जा रही थी, क्या देखने को मिला था? नहीं, मैं तो बाहर था, गाड़ी बाहर खड़ी थी। साहब ने बोला विवेक अभी रुको, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा रहा, क्या घटना हुई अंदर, जब मैं गांव वाले अंदर स्कूल में जा रहे थे, उसके बाद मैंने देखा पता नहीं किसी से झगड़ा हो गया, तो मैं भी अंदर गया, तो वो टीचर बदतमीजी से बात कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, आक्रामक था। हाँ, और टेबल वगैरह पट्टी वगैरह बिछा रखी थी, वहाँ कोई किसी की नहीं बोल रहा था, उसी टीचर की ही बात, टीचर की बात सब बोल रहे थे। और जब मैंने देखा साहब अंदर अकेले हैं, बटन भी टूटे हैं, चश्मा भी टूटा हुआ था, उन्हें निकालने की कोशिश की, तो मैंने सोचा अगर जो मुझे भी पता कर लिया कि ये ड्राइवर है तो मुझे भी अंदर बंद कर लेगा, तो मैं बाहर निकल के इन्हें, इतना भय व्याप्त था जी। मैंने कितनी देर ये रहा होगा हंगामा? हंगामा लमसम अभी इतना तो कंफर्म नहीं, मैं बाहर था 20-30 मिनट तक। हाँ, यही है आधा घंटा। हाँ। तो जब तक पुलिस नहीं आ गई है जी, मैंने 112 नंबर पर कॉल किया, उन्होंने बोला ठीक है मैं 5 मिनट में भेज रहा हूँ। उसके बाद जब मैं, फिर मैंने सोचा पता नहीं पुलिस वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया कि मैं ठीक है फोर्स भेज रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा विवेक। मैं, एक घटना आपके साथ घटित हुई है, क्या है पूरी घटना? शासन द्वारा हमारा इंस्पेक्शन के लिए नियुक्त किया गया है कि हमें एक मास में 20 हमें इंस्पेक्शन करने होते हैं, ये मैंडेटरी है, आवश्यक है। उसी के क्रम में हम लोग गए थे, सुबह मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उसका जो इंस्पेक्शन किया, इसके बाद में प्राथमिक विद्यालय है नाहली में उसका इंस्पेक्शन किया, और ये थर्ड विद्यालय था कंपोजिट विद्यालय नाहली उसका इंस्पेक्शन कर लिया, सारे हमने एंट्री पूरी कर ली। इसके बाद मैंने टीचर से कहा कि भाई आप लोग विद्यार्थी के हित में, शिक्षा हित में और समाज हित में काम करो। तो उसमें एक अध्यापक थे, वो हमेशा अलग रहते हैं पहले से, हमने कहा उनको भी बुला लो, उनसे भी बात कर लेते हैं। वो आए तो उन्होंने पहले कहा कि सर मेरी एक मिनट के लिए बात सुनो। हमने कहा कि भाई आपके लिए 2 मिनट का टाइम है, मतलब जितना तुम मांग रहे हो उतना दोगुना समय आपको हम दे रहे हैं। तो एक उन्होंने प्रत्यावेदन दिया, 9 पेज का प्रत्यावेदन उनको दिया, उन्होंने मांग की थी कि सर मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो हमने कहा कि इसके विभागीय नियमानुसार रूप से हम देखेंगे इस पर कार्रवाई की है। इसके बाद वो मेज को थपथपा करके, भूसा मार करके और सारे बच्चों को उनको बुला लिया, विद्यालय के जो विद्यार्थी थे बॉयज़ गर्ल्स, और ग्राउंड में इन्होंने टाट पट्टी बिछा ली, ग्राउंड में इन्होंने माइक बना लिया और सारे को जोर जोर से कहने लगे बीएसए मुर्दाबाद और तमाम तरह के ऐसे अपशब्द बोल रहे थे जिनको यहाँ कहना ठीक नहीं है। इसके बाद में उन्होंने मेरा घेराव कर लिया, चारों तरफ से जो आए लड़का लड़की वो खुद है ना, मुझे ज़बरदस्ती जो ना सीट पर बिठाएं कि यहाँ बैठो, मैं वहाँ बैठ गया, क्या कहना हमारी सुनो, बोलिए मैं आपको सुनने को तैयार हूँ। तो फिर मैं चलने को चाह रहा था, मुझे उठने दिया कि रस्सी लाओ, रस्सी तो बांधेंगे, और उन्होंने कहा कि यहाँ से आपकी डेड बॉडी जाएगी, यहाँ मेरे ना उन्होंने कपड़े भी फाड़ दिए, ये मेरे जो इन्होंने ये बटन है, ये कमीज पहने बैठा हूँ मैं ये। तो मेरे साथियों ने डीएम साहब को फ़ोन लगाया, 112 नंबर की गाड़ी भी आई, और वहाँ के ग्राम प्रधान और भी अच्छे लोग थे जो कि अच्छे थे, ग्राम प्रधान वालों ने सब ने हमारा साथ दिया कि नहीं अधिकारी हैं, इनसे आप पोलाइटली बात कीजिए और इनसे सम्मान से बात कीजिए। तो मैं निकलना चाहा तो मेरे कपड़े खींचे इन्होंने, उसने मेरा गले माल पकड़ा, तमाम तरह की इन्होंने जो बातें कहीं जो यहाँ पर कहना सही नहीं है। दबंग टीचर क्या नाम है उसका? उसका अध्यापक का नाम है श्री राजेश। कहाँ के हैं ये? ये उसी विद्यालय में तैनात हैं, इतनी मुझे जानकारी है, मुझे अभी एड्रेस के बारे में जानकारी
नहीं किया है। क्या आपको बंधक बनाया था? हाँ, उन्होंने ना चारों तरफ से ना अपने विद्यार्थी हैं उनको बुला के रखा, और मैं उठना चाहता, मेरे हाथ पे हाथ पकड़ लिया ऐसे मेज पर ये।